कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठक
लोगों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों
टिकटों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों
टिकटों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों
टिकटों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों
टिकटों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठक
लोगों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों
का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठक
लोगों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की
बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला उनका मूव क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मिलिंद देवड़ा खुद ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बात की आशंका पहले ही थी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर चल रहा है ताकि टिकट बंटवारा हो सके। लेकिन